मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल के कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रजिस्ट मैक्सिमम शॉक एंड वाइब्रेशन विदाउट क्रैकिंग। पहला ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मैलेबल आयरन या फिर ग्रेफाइट। तो इनमें से राइट आंसर है सी, मैलेबल आयरन। ठीक, अगर हम पहले वाले ऑप्शन को ग्रे कास्ट आयरन को, वाइट कास्ट आयरन को, मैलेबल आयरन को, तीनों को ऐसे ऑप्शन बनाएं और इनकी कंपोजिशन को लिखना चाहें, जैसे कार्बन और सिलिकॉन और मैग्नीज और साथ में सल्फर और फास्फोरस। ठीक, तो जो ग्रे कास्ट, इसमें क्या क्वेश्चन इसमें बनता है कि कंपोजिशन क्या है। तो ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन रहता है वो 2.4 से 4% रहता है। सिलिकॉन जो होता है वो हमारा 1 से 3% हो सकता है और मैग्नीज जो है वो 0.1 से 1.2% तक होता है। ठीक, ऐसे ही अगर ये सब 0-0 होते हैं, ऐसे अगर वाइट कास्ट आयरन देखें तो 0.5 से 1.9 तक रहता है वेट परसेंट, और सिलिकॉन जो है 0.5 से 2% तक रहता है, और मैग्नीज जो है 1 से लेकर 2% तक रहता है, और ये 0-0 होते हैं। अगर हम मैलेबल के बारे में बात करें, बेसिकली कार्बन और सिलिकॉन का अलॉय होता है, मैलेबल हमारा मैलेबल आयरन। ठीक, इसमें कार्बन जो है 2.16 से लेकर 2.90 तक ये कंपोजिशन इसका होता है, सिलिकॉन में 0.9 से लेकर 1.9 तक होता है, और जो मैग्नीज है वो 0.15 से 1.25 तक रेंज में रहता है। अगर सल्फर के बारे में बात करें तो 0.02 से 0.2 तक रहता है, और फास्फोरस जो है 0.02 से 0.15 ए रेंज इसकी रहती है। ठीक, तो इसका सही आंसर है कौन सा, मैलेबल आयरन। इसमें मसलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और यह शॉक बियर कर सकता है और हाई वाइब्रेशन को बियर कर सकता है। धन्यवाद।